रहीम सुभान अल्लाह इसमें शामिल कर दे। सुभान अल्लाह देखें इस तरीके से डाल दें, सुभान अल्लाह सबज मर्च इस तरीके से रख दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं बाबा रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। कमाल की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं, अथेंटिक रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं मेरे भाइयों। टेस्टफुल रेसिपी है, आप कहेंगे कोई चीज मैंने तैयार करके दिखाई है। दाल माश छिलके वाली, ठीक है, ये वाली दाल ये देखें, ये दाल माश छिलके वाली, उड़द की दाल भी इसको कहा जाता है, छिलके वाली दाल भी कुछ जगहों पे इसे कहा जाता है, ठीक है, ब्लैक दाल भी कहा जाता है, माश की ब्लैक दाल, मुख्तलिफ इसके नाम दिए जाते हैं। ये मैंने ले ली आधा घंटा पहले, इसको अच्छे तरीके से वाश करके पानी में भिगो दिया। आधे घंटे के बाद अब इसको किस प्रोसेस से गुजारना है तवज्जो से देखिएगा। दाल माश छिलके वाले या उड़द की दाल एक पाव 250 ग्राम, ठीक हो गया, कुकर में शामिल करते हैं। कुछ लोग पहले मसाला इसका बना के भून के फिर इसको बनाते हैं, वो तरीका भी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत बनाते हैं, उस तरीके से भी आपको बता दूंगा, लेकिन ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कमाल का टेस्ट आएगा, आप कहेंगे कोई चीज तैयार हुई है, ठीक है। एक पाव दाल शामिल कर दी, एक अदर टमाटर, ठीक है, दरमियाने साइज का, इसमें काट के इस तरह डाल दें, पांच से चार से पांच जवे लहसुन के साबित शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 1 टीस्पून ये देखें रेड चिल्ली पाउडर शामिल कर दें, हल्दी 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, नमक फिलहाल हम डालेंगे 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लिया करें, शामिल कर दें। अब इसमें पानी शामिल कर दें, ये चाय वाला कप है मेयरमेंट के लिए, ये देख लें आप, ये एक और ये दो, दो कप वाटर, ठीक है, चाय वाले, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, इस तरीके से ऊपर हम प्रेशर का कवर लगाने लगे हैं इस तरीके से। 3 मिनट मैंने जैसे कि आपको बताया विसल चलने में लगते हैं, उसके बाद जो है ना 6 मिनट इसको हम ऊपर रखेंगे, ये देखें चूल्हे पे चढ़ा दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को ऑन कर दें, ठीक हो गया, 3 मिनट के बाद विसल चलेगी, विसल चलने के 6 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं, खोलने लगे हैं, स्टीम को रिमूव कर दिया, सुभान अल्लाह, पानी भी पूरा हो गया, दाल भी गल गई है, देख लो, ठीक हो गया, जबरदस्त कमाल की। इसको साइड पे कर दें, इसके साथ का एक पैन ले लें, चूल्हे पे चढ़ा दें, फ्लेम को ऑन कर दें, एक कप कुकिंग ऑयल का इसमें शामिल कर दें, कम या ज्यादा ऑयल आप कर सकते हैं, लेकिन लुक वाइज अगर टेस्टफुल बनाना है तो एक कप जाएगा। ये ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें जी, ऑयल गर्म हो चुका है, चॉप की हुई 2 टेबलस्पून प्याज, इसके अंदर सब्ज प्याज भी, जो ग्रीन प्याज आती है वो भी है, और सिंपल प्याज भी है, ठीक है, मिक्स कर लीजिएगा आप इस तरीके से, शामिल कर दें इसको 1 मिनट तक, हल्का सा इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे सोते कर लें। 1 मिनट के बाद ये एक तेजपात शामिल कर दें, और ये रेड मिर्चें 3 से 4 अदद साबित शामिल कर दें, ज़ीरा 1/2 टीस्पून साबित शामिल कर दें, और 30 सेकंड के लिए इसमें मज़ीद फ्राई कर लें। 30 सेकंड के बाद दाल उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, कमाल की रेसिपियाँ इसमें शामिल कर दें इस तरीके से। देखें अगर इससे ज़्यादा आप टाइम लगाएंगे या पानी का शामिल करेंगे तो दाल टूट जाएगी, लुक वाइज अच्छी नहीं लगेगी, बात समझ आ गई। इस तरीके से इसमें डाल दें और तकरीबन 2 मिनट दाल को इसमें भून लें अच्छे तरीके से, ठीक हो गया, ये देखें इस तरीके से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दाल को अच्छी तरह भूनने के बाद आपने क्या करना है, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, खुश्क धनिया 1 टीस्पून भर के शामिल कर दें, हल्का सा पानी लगा दें, हल्का सा, ताकि इसकी भुनाई को मज़ीद कंप्लीट करें, ये देखें थोड़ा सा पानी लगा दें, सब्ज मिर्चें 4 अदद कटी हुई बारीक शामिल कर दें, और इसको अच्छे तरीके से भून लें, हमारा ये अच्छे तरीके से भून भी जाए और जो पानी के 2 घूंट डालें वो भी खुश्क हो जाए, ठीक हो गया। ये लें जी दाल माश छिलके वाली, आए हाय सुभान अल्लाह, खुशबुआ, फ्लेम को बंद कर दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह हिला लें, सुभान अल्लाह, देखें गिफ्ट बना देते बाबे ने, तुसी कहते हो कि गिफ्ट नहीं बनते, इसको हल्का सा इस तरीके से सेट कर लें इस तरह, सुभान अल्लाह, बहुत कमाल का टेस्ट, कमाल की खुशबू, सब्ज धनिया थोड़ा सा इस तरीके से डाल दें, सुभान अल्लाह, ये देखें एक अदर सब्ज मिर्च इस तरीके से रख दें,
कंप्लीट गाइड कर दिया, मुख्तलिफ जितने तरीकों से भी दाल उड़द या छिलके वाली दाल माश की जितने तरीकों से तैयार होती है तमाम तरीके आपसे शेयर करूंगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो मेरे भाई और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कर दिया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। जितना आप शेयर करेंगे दोस्तों में रिश्तेदारों में किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।